कॉपी हर पार्षद के पास होनी चाहिए, क्योंकि उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि क्या क्या कंडीशन उसमें पास हुई है, तो उसमें हरण होगा वो बकायदा ये रहेगा कि कौन सी बीट पे कौन से नंबर का टिप्पर काम करेगा। हाँ, वो हर पार्षद के पास पहुंचानी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी बताया जाए कि जो उनके साथ हेल्पर होते हैं उनका काम क्या है। और सेकंड मेरा विषय ये है कि दुब्बल जी मेरे आज मीटिंग में बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल परसों ही मेरी इनसे बात हुई है। आप उस दिन तो कहते थे अभी पता नहीं, आज मुझे बता दो कि हमारे जून में कौन से वार्ड में LED लाइटें लगनी शुरू हो गई है, ये कृपया बताया जाए। मेरी परसों आपसे बात हुई है, आपने कहा था मैडम अभी मुझे याद नहीं है, तो मैंने उस दिन भी आपको बोला था, कृपया इतना बताने का कष्ट करिए। और दूसरा, जो हमारी हाई मास्क लाइट है वो खराब पड़ी हुई है, मैंने DC गोयल साहब से बहुत बार बात करी है, वो कहते मैडम हो जाएगी, लेकिन बादशाह जी कह देते हैं कि हमारे पास सामान नहीं है। तो भैया लाइटों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और एक मेरे जहाँ BSES के हर्षद जी है, जिनकी शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी, मैं जरा उनके दर्शन करने जाती हूँ। हाँ, ये ना तो कभी फोन उठाते हैं, इतने लाड साहब बन गए, ना तो फोन उठाते ना आगे जवाब देते हैं। रविपाल जी से बात होती है तो मेरे पास टीम आती है और सामान आता है। आज इसमें सभी अधिकारी बैठे हुए हैं, DC साहब बैठे हुए, चेयरमैन साहब भी बैठे हुए हैं। पिछले साल थे हम नए, इस बार हम पूरी तरह भर चुके हैं। इस बार कोई भी अधिकारी हमें बेवकूफ बनाने की कष्ट ना करे, नहीं इस बार हम बोलेंगे नहीं, इस बार हम बोलेंगे कम, आपसे जवाब ज्यादा देंगे और आपके ऊपर लिखती कार्रवाई होगी। मैं आज आपको ये बता देती हूँ, इतना हमें पता लग चुका है। और LED लाइटों का वर्क ऑर्डर की कॉपी हर पार्षद के घर में पहुंच जानी चाहिए, ताकि जनता को हम भी जवाब दे सके।